राजेश जायसवाल करके, जिसने मीडिया के जरिए एफवी पे मतलब सोशल नेटवर्क के जरिए मुझे बदनाम करने की कोशिश की बहुत ज़्यादा। उसने कुछ कुछ उल्टा उल्टा लिखा है, पिक्स अपलोड की है उसने, एडिट करके स्पेशली जो पिक्स मेरी मॉम के साथ या सिस्टर के साथ थे वो उसने एडिट किया, खुद का पिक उसमें ऐड करके लगाया। और सोशल मीडिया के जरिए एफवी हुआ, मैसेंजर के जरिए जितने मेरे फैमिली हैं, फैमिली वाले हैं, दीदी हैं, जीजू हैं और भी जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको बहुत गंदे गंदे मैसेज किए, और जितने भी मेरे फैंस हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उनको वो गंदे गंदे एसएमएस कर रहा है, मेरे खिलाफ कुछ भी लिख रहा है। जबकि राजेश जायसवाल नाम के बंदे को मैंने आज तक देखा नहीं कि वो बंदा कौन है, क्या है और वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था। पिछले एक साल से, वन ईयर से वो कुछ ना कुछ अपलोड कर रहा था, शुभि शर्मा ऐसी है, शुभि शर्मा वैसी है, तो क्या वो मुझे जानता था? नहीं। उसके बाद मैंने देखा कि चलो अब शायद फैंस होते हैं, कोई बात नहीं, कुछ अपलोड करे, जाने दो, माफ़ किया। मगर एक औरत को अपनी इज्जत सबसे प्यारी होती है, सम्मान बहुत प्यारा होता है, कोई उसके सम्मान के साथ, इज्जत के साथ अगर ऐसा ठेस पहुँचाएगा तो उसको स्टेप उठाना पड़ेगा। इसलिए मैंने स्टेप उठाया, मैं गोरेगांव पुलिस स्टेशन होके आई, साइबर क्राइम होके आई, मैंने वहाँ पे रिपोर्ट किया और बॉम्बे पुलिस ने मुझे बहुत कॉपरेट किया, बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया। और आज वो आदमी राजेश जायसवाल करके, उसको वाराणसी के अंदर उसको गिरफ्तार किया और आज वो गोरेगांव पुलिस स्टेशन में है और वो रिमांड पे है। और उसने ऐसा क्यों किया, रीज़न क्या था, वो मेरे बारे में क्यों अपलोड कर रहा था, अब ये सब चीज़ें सामने आएंगी। क्योंकि ऐसा कोई पागलपंती में भी ऐसा इंसान कितना अपलोड करेगा, अलग अलग अपना फेसबुक आईडी चेंज करना, अलग अलग जगह से अपने साइट से अपलोड कर रहा है, जितने मेरे फैंस हैं उनको उल्टे उल्टे मैसेज भेज रहा है, तो ये चीज़ करना गलत है। और मैंने इसलिए एक्शन उठाया कि आज मैं भोजपुरी एक्ट्रेस हूँ, आज मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो अगर मैं ये स्टेप नहीं उठाऊँगी तो जो आम लड़कियाँ हैं जो घर में रहती हैं, कॉलेज के अंदर होती हैं, तो मैंने जब ये स्टेप उठाया तो मैं उनसे भी यही बोलूँगी कि कोई भी उनके साथ गलत करे या कोई भी किसी भी प्रकार से उनको टॉर्चर करने की कोशिश करे तो वो भी ये स्टेप उठाए। और बॉम्बे पुलिस या हमारे पूरे इंडिया की पुलिस उनके साथ में है, प्रशासन हमारे साथ में है, तो मैं यही चाहूँगी जैसे मैंने स्टेप उठाया एक ऐसे बंदे के खिलाफ जो मुझे नहीं जानता था, उसके बाद भी वो मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा था मेरे बारे में उल्टा लिखना, तो वैसे पता नहीं कितनी और भी होंगी ठीक है लड़कियाँ जिनके साथ ये केस हो रहा होगा बट वो स्टेप उठा नहीं पा रही होगी, तो मैं उनको भी यही चाहूँगी स्टेप उठाएं, अपनी लड़ाई खुद आगे होके लड़े, पुलिस को इन्फॉर्म करें ताकि उनके साथ कोई भी आदमी ऐसी हरकत नहीं करे। और हीरोइन होना गलत बात नहीं, आप हीरोइन हैं, आप अपने पब्लिक के लिए, ऑडियंस के लिए आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप एक आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट एक कला मतलब पूजा होती है, तो हम वो पूजा कर रहे हैं और उसमें भी अगर फैंस का प्यार करते हैं, मगर प्लीज़ मैं जितने भी फैंस हैं या जितने भी फॉलो करते हैं हमको या किसी और भी आर्टिस्टों को, उनको यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप प्यार कीजिए, मतलब कला से प्यार कीजिए, आप हम चाहते हैं हमको ठीक है, हम आर्टिस्ट हैं, आपको डांस पसंद है, एक्टिंग पसंद है, तो आप लाइक कीजिए, मगर कभी परेशान इस हद तक मत कीजिए कि हमें ये स्टेप उठाना पड़े। और मैं अपने फैंस के लिए नहीं बोल रही, नहीं किसी और के फैंस के लिए बोल रही, सोशल एक इशू है जो मेरे साथ अभी जस्ट हाल ही में हुआ है। राजेश जायसवाल ने मुझे इतना परेशान कर दिया था कि मुझे नींद भी नहीं आती थी, मैं सोचती थी ये बंदा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने कभी देखा नहीं है, मेरा कुछ उससे झगड़ा नहीं है, ऐसा क्यों टॉर्चर कर रहा है। बाद में वो जब एक जगह से पता चला कि मुझे शुभी जी से शादी करनी है इसलिए मैं उनको बदनाम करूँगा ताकि वो मुझसे शादी कर ले, अरे मेरा मैं जानती नहीं हूँ तो शादी तो मैं वैसे भी कर नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर कोई इंसान, मैं अपनी बात नहीं कर रही, जनरल टॉपिक पर बात कर रही, कोई किसी से अगर प्यार करता है, कोई किसी से शादी भी करना चाहता है तो उसको बदनाम क्यों करेगा, वो झूठा बदनाम क्यों करेगा, तो ये चीज़ गलत है। और मैंने बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और उसको पुलिस वाले, वो दोषी है तो उसको वो जेल में डाले और उसको अपने किए पे पछतावा होना चाहिए, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैं गवर्नमेंट से भी गुजारिश है। और थैंक यू बॉम्बे पुलिस जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, और थैंक यू ऑल मीडिया कि जो यहाँ पे आए और वो लोग मेरी इस बात को आगे तक पहुँचा रहे हैं कि मीडिया का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये बात घर घर तक पहुँचे कि अब लड़की अकेली नहीं है, अब उस पर अत्याचार हो रहा है या कोई उसे टॉर्चर कर रहा है या उसे मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो ये स्टेप उठा सकता है, मीडिया पुलिस हमेशा उसके साथ में है। तो बस मैं इसी से अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शुभी जी, सवाल मेरा एक ये है कि आपने कहा कि वो आपको मैसेज करता था, शायद प्यार करता था, आपको लगता है खाली एक तरफा प्यार का मामला है या फिर कुछ पैसे वगैरह की भी बात थी जो आपको ब्लैकमेल करके या फिर किसी तरीके से धमका के वो वसूलना चाह रहा था? देखिए एक्चुअली में क्या होता है ना, मैं पता नहीं वो जबकि उल्टा ही कुछ बोल रहा था कि मैं उसके पैसे लेके भागी हूँ, जिस इंसान को मैंने कभी देखा नहीं तो मैं उसके पैसे लेके भागूंगी, वो मुझसे प्यार करती है, ये वो सब फालतू की चीज़ें।
मुझे ये मुद्दा लगा नहीं, क्योंकि पैसों की वो डिमांड, तो वो मुझसे पैसों की डिमांड करता, बट क्योंकि वो मुझे जानता नहीं है तो इसलिए वो मुझसे डिमांड कर नहीं सकता। उसके पास कोई सबूत नहीं है कि वो मुझे जानता भी है। वो सिर्फ मुझे बदनाम करना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि ये फैमिली से डिस्टर्ब हो जाए, इसके पूरे जितनी फैमिली वाले हैं, रिलेशन वाले हैं, इसके फैंस हैं, उनको SMS करो, ताकि अर्जुन नाम है वो मेरे नाम को ख़राब करना चाह रहा था। इसलिए शायद उसने ये सब कुछ किया, कि डिमांड तो उसने मुझे पैसों किया, मुझे ऐसा मैसेज कभी नहीं किया, क्योंकि जो भी ये बात फैक्ट है कि उसने कभी कोई ऐसा मैसेज मुझे नहीं किया, बट मेरे बारे में गंदा गंदा लिखना फालतू में, बस मेंटली वो मुझे टॉर्चर कर रहा था, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था। कितने समय से ये चल रहा था सुनी जी? ये अप्रैल 2017 में शुरू हुआ था। कुछ टाइम तक मैंने सोचा कि शायद कोई पता नहीं पागल है क्या है, हो जाएगा सही। उसके बाद फिर पुलिस ने भी उसको एक बार वार्न किया, जब वो नहीं माना, वापस याती किया, तो फिर मैंने बोला अभी स्टेप उठाना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो रिपोर्ट किया। बॉम्बे पुलिस ने हैंड ऑन स्टेप उठाया, वो बनारस में उसका लोकेशन सर्च हुआ कि बनारस में वो बंदा है, वहाँ पर उसको पकड़ा, और आज वो कानून के पास है और उससे पूरा इंक्वायरी हो रहा है कि उसने ऐसा स्टेप क्यों उठाया, क्या रीज़न था। ये बहुत जल्दी ये भी सामने आएगा कि उसने ऐसी हरकतें क्यों। शुभी जी, आपने कहा कि आपको नींद नहीं आई, आपको इतना टॉर्चर किया, इतने परेशान हुआ, जब आप ये कह रही थी तो आपका दर्द, आपकी परेशानी मैं आपकी आंखों में देख सकता था। आप क्या सजा चाहते हो आपकी उसे? मतलब मेन चीज़ ये कि अभी मैं बहुत, अभी भी मैं सोच रही हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरी मम्मी इतनी परेशान हो गई थी, उनको मैसेज, उनको FB मैसेंजर पर मैसेज करके उनकी बेटी के लिए गंदी गंदी बातें लिख रहा था। चलो कोई इंसान वैसा हो तो चलो कोई लिखता है समझ में आए, बट जिस इंसान को ऐसा है भी नहीं, जो इंसान आपको जानता नहीं है, आप उससे कौन सी दुश्मनी निकालना चाह रहे हो, या आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मैं उस टाइम बहुत डिस्टर्ब थी, क्योंकि आज तक मैंने अपनी इज्जत कमाने के लिए काम किया है, मैंने चाहे इंडस्ट्री में बहुत पैसा मुझको नहीं चाहिए, मुझे नहीं कमाना, बट हाँ मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। तो जब उस पर ठेस लगी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ, और फिर मैंने स्टॉप किया। क्या आप रो रही हैं शुभी जी? बहुत इमोशन, मैं एक्चुअली मैं 3 महीने खुद सदमे में थी, जब मेरे ही जो रिलेटिव इंडस्ट्री के खिलाफ थे वो लोग ने ये बोलना स्टार्ट किया। हम तो पहले ही बोला था पिक्चर में जाएगी ठीक लड़की, तो कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, तो वो भी सब ताने, मतलब जो मैंने चीज़ की ही नहीं है उसके लिए मैं इतना सब सुनूँ क्यों? तो मुझे बहुत टॉर्चर हुआ है इस आदमी की वजह से। आप आंसू पूछ लीजिए, मेरा सवाल एक और है कि आपकी तकलीफ हमने सुनी, आपके परिवार को, जो परिवार के साथ जो भी ज्यादतियाँ हुई वो भी हमने सुना। क्या आपने कभी इससे पहले नहीं सोचा कि मुझे मीडिया के सामने आना चाहिए, या फिर जो बाकी जिस पे भी आपको भरोसा हो किसी से बात शेयर करनी चाहिए? देखिए, सबसे मेन चीज़ है, जब शुरुआत में उसने कुछ पोस्ट किया था तो मुझे ये लगा था कि शायद ये आदमी ऐसे ही बोल रहा है, तो मैंने पुलिस से बोला, उन्होंने उसको फोन किया, तब ये बात मैंने शेयर, जो मॉम के पास मैसेज आ रहा है सबके पास शेयर वैसे ही था ये चीज़ें, क्योंकि वो सबको मैसेंजर पर मैसेज कर रहा है एफ पे, तो लोगों के मुझे कॉल आने स्टार्ट हुई, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें भी चल रही है। मुझे लोगों के कॉल आने स्टार्ट हुए कि शुभी जी कोई ऐसा बंदा है, आप तो बहुत अच्छी हैं, कोई आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। सबसे अच्छी बात इसमें एक चीज़ थी कि जिन्होंने भी मुझे कॉल किया उनको विश्वास था, ट्रस्ट था कि मैं ऐसी हुई ही नहीं हूँ। बोला कि बंदा कौन, आप स्टेप लो उसके खिलाफ, आपको क्यों बदनाम कर रहा है? मेरी सिस्टर है दुबई में, उनके पास मैसेज करना, जीजू के पास करना, तो उस टाइम सोचा, तभी तो मैंने आज यहाँ पे हूँ, मैं इस मुकाम पे। एक साल उसको, हर इंसान को एक चांस देना चाहिए सुधरने के लिए, पहले एक चांस मैंने उसको दिया, बट वो तब भी नहीं सुधरा, तो मैं आज इस हालात पे पहुंची कि मैंने बोला कि नहीं, अब उसको जेल होना चाहिए, जो उसने जुल्म वो कर रहा है आज मेरे ऊपर कर रहा है, कल किसी और के साथ भी हरकतें करेगा तो वो जेल के अंदर होना चाहिए। आपको लगता है कोई प्रीवियस रिकॉर्ड भी उसका हो सकता है, हिस्ट्री शीटर हो सकता है, क्रिमिनल माइंडेड हो सकता है? ये तो अभी पुलिस से इंक्वायरी कर रही है, तो रिमांड पे है अभी वो, तो अभी सब पता चलेगा कि ऐसा क्यों कर रहा था, या क्या था उसके माइंड में, या पहले उसने क्या किया हुआ है, ये सब अभी कुछ टाइम बाद आप लोगों के सामने जरूर आएगा। थैंक यू शुभ जी, थैंक यू।